अंबाजी मार्केट के सामने से आशीष राठी की एक डस्टर गाड़ी चोरी हुई थी। तो उसमें पूछताछ में उसके मालिक ने मुझे बताया कि मैं करीब एक डेढ़ महीने पहले एक गुलजार मोहम्मद जो कावाखेड़ा का रहने वाला है उसको लेकर के अहमदाबाद मेरे ससुराल 3-4 दिन के लिए गया था, उसको ड्राइवर लेके गया था। उसके बाद में हमने इस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड देखा गुलजार का और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इसको उठा करके और इससे पूछताछ की तथा इसने दूसरा एक मुलजिम और बताया इकबाल छिपा जिसको भी उठाया और दोनों को उठा के पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि हम 2011 में एक यहाँ से किसी सेठ जी की गाड़ी मांग करके लेके गए थे कि दूल्हा दुल्हन के लिए गाड़ी चाहिए किराए पर और हम 30 किलो नीमत से 30 किलो अफीम उसमें लेकर के लुधियाना जा रहे थे तो हमें पटियाला में पकड़ लिया था और NDPS केस में हम 4 साल तक पटियाला जेल में बंद रहे। उस दौरान एक फुरकान नाम का आदमी मेरठ का रहने वाला उससे वो भी वाहन चोरी में वहाँ पर बंद था पटियाला जेल में तो उससे हमारी दोस्ती हो गई और उसके बाद में जमानत 4 साल बाद में जमानत होने पर हमने ये धंधा शुरू किया कि फुरकान वहाँ से लग्जरी वाहन चुराता उत्तर प्रदेश दिल्ली और उत्तराखंड से और हमें सस्ती रेट पर देता और हम 10-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा उठा करके और वहाँ पर गुजरात के कबाड़ियों को बेचते। इस चीज़ का पूछताछ करके और हमने इनके कब्जे से अभी जो है ये वाहन बरामद किए हैं जिनमें 2 ब्रेजा गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से चुराई हुई हैं, 1 स्विफ्ट डिज़ायर जिसके इंजन नंबर और चेचिस नंबर मिटाए हुए हैं, 1 इनोवा जिसके भी इंजन नंबर और चेचिस नंबर मिटाए हुए हैं तथा 1 फॉर्चुनर गाड़ी है जो उत्तराखंड से रजिस्टर्ड है, इसके भी ये कहाँ से चोरी की है पता चल जाएगा, और 1 बुलेट मोटरसाइकिल है जो मेरठ से चुराई हुई है। ये सब गाड़ियाँ इन्होंने फुरकान जो मेरठ का रहने वाला है उससे सस्ती रेट में खरीदी है और आगे ये बेचने की फिराक में थे जो हमने इनको गिरफ्तार करके और इनसे बरामद किए हैं और अपने यहाँ से जो चोरी की डस्टर गाड़ी है भीलवाड़ा से उसको भी हम बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। वो फुरकान वहाँ से अपने घर से गायब है मेरठ से, मेरठ हमारी टीम जाके आई है।